ब्योकेड वाला से बनियो। तो अंकित भाई की अतरंगी फरमाइश है दो सतरंगी टीमों के बीच मैच की, तो एक टीम में रोमन ने सीएम पंक शॉन माइकल्स और अपोनेंट टीम में है द रॉक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ट्रिपल एच। भाई 93 ओवरऑल है, 96 है और रोमन की टीम में 99 है, 87 है, 88 है। भाई कोई जोड़ नहीं बैठ रहा है टीम का, लेकिन गेम प्ले को फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब तक फाइट नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कौन सी टीम बेस्ट है या कौन सी जीतेगी। तो यार अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में अभी से लिख दो कि भाई आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो फटाफट, और नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और रोमन और द रॉक, और रॉक ने रॉक बॉटम लगा दिया है, रोमन रेंस को रॉक बॉटम। भाई साहब पहला फिनिशर रोमन को लगते हुए बड़ा अजीब लगता है क्योंकि रोमन को जब पहला फिनिशर लगने आता था या तो वो रिवर्स कर देते हैं। और माइकल्स को भी रॉक बॉटम लगा दिया है। रॉक बहुत जल्दी बहुत तेजी में दिख रहे हैं भाई, जितनी तेजी में आया उतनी तेजी में रॉक भाई चले मत जाना था क्योंकि रोमन है सामने और रोमन की भाई दो दो फिनिशर लगेंगे ना तो काम तमाम हो जाना आपका, और कुछ नहीं है। और भाई शॉन माइकल लीगल प्लेयर कहाँ से हो गया, रोमन था भाई, रोमन आ चुके हैं माइकल्स को बचाने और रोमन ने माइकल्स को बचा लिया। वैसे भी माइकल ने रिवर्स कर दिया था और रोमन भाई रेफरी बीच से हट जा गंजी रेफरी, पैसे मत खा लियो तो रोमन की टीम से, रोमन ने इससे पैसे खा के बैठा। भाई रोमन ट्रिपल एच को मारने जरूरी नहीं है भाई, गंजे भाई एक टीम में आपने नोटिस किया, रॉक की टीम में भाई तीनों ही गंजे है। वाह मैंने अभी नोटिस किया यार, मैंने पहले देखा ही नहीं था, अभी नोटिस किया। और रोमन एप्रेन पे मार रहे हैं द रॉक को और ट्रिपल एच को भी गिर रहे हैं। ट्रिपल एच को मारने की जरूरत नहीं भाई, रॉक पे ही फोकस कर लो, वो रॉक लीगल प्लेयर है और रॉक को एलिमिनेट कर पाओ तो ही बड़ी बात है इस समय तो। रोमन का जलवा मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ फाइट से दिख नहीं रहा है ज्यादा कुछ, देखते इस फाइट में भाई 5 तक काउंट डाउन है। रॉक भाई काउंट डाउन से मैं एलिमिनेट हो जाना, जल्दी जाओ जल्दी 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 भाई साहब। एंड बिल्कुल एंड मोमेंट पर रॉक अंदर आ चुके और रोमन अपना वही खेल शुरू करते हुए। आप रॉक अब तक तो ट्रेलर देख रहे थे, आप पिक्चर देखने को मिलेगी द रॉक को। भाई हेड अब बॉडी अभी से येलो हो चुकी है द रॉक की, अभी तो रोमन ने मारना शुरू भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ रोमन एक दो स्पीयर लगा देंगे भाई, दो स्पीयर में रॉक एलिमिनेट हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। और रोमन के पास तीसरा फिनिशर भी आने वाला, भाई जरूरत नहीं थी ड्रैग करने की, रोमन मारनी थी स्पीयर लगानी थी। और सीएम पंक आ चुके हैं, सीएम पंक ने रोमन की कमी पूरी कर दी। भाई साहब सीएम पंक का फिनिशर भी छीन लिया और कमबैक वाला मूव है कि नहीं, कमबैक नहीं है ठीक है, रेजिलेंसी है रॉक के पास, सुपर पावर में कमबैक नहीं है। और सीएम पंक का मूव भी छीना और भाई फिनिशर भी छीना और अपना फिनिशर बढ़ा भी लिया द रॉक ने, ये बढ़िया है भाई। द रॉक बॉडी ऑरेंज हो चुकी है, हेड येल्लो हो चुका और ट्रिपल एच रोमन नीचे जाके बढ़ो भाई, ऊपर मत भिड़ो बिल्कुल भी। और सीएम पंक अब की बार फिनिशर लगाएंगे भाई, ये भी रिवर्स हो गया, सीएम पंक के दोनों फिनिशर आज मुझे लग रहा है किस्मत ठीक नहीं है सीएम पंक की, दोनों फिनिशर रिवर्स हो चुके हैं तो मुझे आज सीएम पंक का दिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सीएम पंक भाई टैग दे दो, और बढ़िया बढ़िया सीएम पंक ने भी बदला ले दिया भाई, फिनिशर रिवर्स कर दिया स्टनर, एक फिनिशर छीन भी लिया और अपना एक फिनिशर आ भी गया सीएम पंक के पास। तो सीएम पंक अभी फिनिशर ना लगाने के बजाय भाई नॉर्मल मूव से थोड़ा सा डैमेज कर लो उसके बाद फिनिशर लगा लेना, क्योंकि ऑस्टिन को मौका लगते ही स्टनर लगा देंगे और अब क्या फिनिशर लगेगा, ये अब भी छिन जाएगा। और अब की बार फिनिशर लग चुका है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को, लेकिन कोई बॉडी पार्ट डैमेज नहीं हुआ, एक मतलब दो तीन फिनिशर में भी ऑस्टिन जाने वाले नहीं है। ऑस्टिन तो भाई स्टनर लग चुका सीएम पंक, भाई ऑस्टिन के सामने टिकने वाले नहीं है सीएम पंक मुझे ऐसा लगता है। और पिन फॉल करवा लिया भाई, पहला फिनी और शॉन माइकल्स मुझे लगा एलिमिनेट ना हो जाए क्योंकि माइकल को एक रॉक बॉटम भी लग चुका है पहले, तो माइकल्स को थोड़ा सा रुके रहना पड़ेगा अगर टीम को जीतना है तो। और भाई ऑस्टिन पी जाएगा भाई, पूरी टीम पी जाएगा ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन रैटल स्नेक है भाई, वो डसता बहुत जोर से। ऑस्टिन के पास कोई फिनिशर नहीं है लेकिन ऐसे मार मार के डैमेज कर करके मुझे लग रहा है माइकल्स अपने स्टाइल में उठे हैं। माइकल ने कमबैक किया है, बढ़िया ड्रॉप किक लगा दी, माइकल अंदर जाओ। और भाई अगर आप वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, WWE की इस मज़ेदार वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। और 5 तक ही काउंट है तो अंदर चले जाएं भाई, तो दोनों बढ़िया हैं। और
माइकल्स उठा ना भाई, माइकल ने कमबैक किया था और स्टनर आने वाला है क्या? अभी ऑस्टिन के पास फिनिशर नहीं है तो स्टनर के कोई चांस नहीं है। और ये रेफरी ने पैसे खाए, मैं बता रहा हूँ, ये रेफरी ने पैसे खाए ऑस्टिन की टीम से। बार बार बीच में आ रहा है, रोवन के बीच में भी आ रहा था और ऑस्टिन के बीच में भी आ रहा है। ये पावर भाई पाइल ड्राइवर, बेकार का पाइल ड्राइवर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी ऑस्टिन ने भी लगाया था सीएम पंक को, अब माइकल ने ऑस्टिन को लगा दिया। तो माइकल्स को यार फिनिशर तो लगाना पड़ेगा। माइकल्स फिनिशर लगाओ, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। ऑस्टिन के पास सिग्नेचर है भाई, ड्रॉप किक लगा दिया, ऑस्टिन का हेड येल्लो हो चुका है। तो ऑस्टिन यार देखो, माना हेड येल्लो हो चुका है, लेकिन इतनी जल्दी जाने वाला प्लेयर नहीं है भाई। एक ही फिनिशर लगा उसको, या तो रोमन की दो स्पीयर लगे भाई, रोमन की भी बॉडी येल्लो हो चुकी है और रोमन को टैग देने जा रहे हैं क्या? रोमन बढ़िया भाई, वैसे तीन तीन फिनिशर थे माइकल के पास, और स्पीयर आएगी क्या? स्पीयर तो आई नहीं भाई। ऑस्टिन अभी तो अपना बदला निकाल रहे हैं रोमन से, तो रोमन अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो देखो कोई चांस ही नहीं है फिर जीतने का। लेकिन अगर रोमन रुकते रहते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल एच आ चुके, ट्रिपल एच तो अभी भी टैग मिला और एक पेडिग्री भाई, रोमन सर्वाइव कर पाएंगे? और रोमन ने रिवर्स कर दिया, रोमन रेंज नाम है भाई उसका, द बिग डॉग, हेड ऑफ द टेबल। रोमन को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा भाई आपको, रोमन को बिना एक्नॉलेज किए आप नहीं रह सकते WWE में भी और 2K23 में भी। और यार 2K फैंस के लिए, जो WWE 2K23 के फैंस हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि भाई 2K24 जहाँ तक उड़ती उड़ती खबरें आ रहे हैं कि मार्च 2024 तक आ जाएगा। और इस प्राइम बस्टर लगा दिया, सिग्नेचर लगा दिया भाई ट्रिपल एच ने, बहुत जल्दी सिग्नेचर। फिनिशर तो लगाया नहीं, एक फिनिशर तो छिन गया था, लेकिन सिग्नेचर लगा दिया, बढ़िया। रोमन की बॉडी ऑरेंज हो चुकी है, तो यार उम्मीद तो यही है, क्योंकि अभी जो अर्निंग शो की थी 2K ने, उसमें ये दिखाया था कि 2024 में 2K24 आ जाएगा। तो जहाँ तक है मार्च 2024 में भाई ये वाला साल ख़त्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, तो हो सकता है मार्च में ही आ जाए, अब शुरू में आता या एंड में आता वो देखना पड़ेगा कि 2K कब लॉन्च करता है। और लॉन्च के साथ ही भाई आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप 2K23 के फैन हैं। और शॉन माइकल एलिमिनेटेड भाई, ये होना ही था। अब रोमन के लिए 1v3, क्या रोमन 1v3 कर पाएंगे भाई? बहुत मुश्किल है, रोमन ने अब तक एक भी फिनिशर नहीं लगाया। या तो रोमन फिनिशर लगा रहे होते तो समझ में आता, लेकिन ऐसा है ना कि देखो द रॉक काफ़ी डैमेज है, रॉक का यहाँ पे अगर फिनिशर लगता है बैक टू बैक, एक ही फिनिशर मुझे लग रहा है रॉक को अगर लगता है, तो रॉक का एलिमिनेशन हो जाएगा, टीम कैप्टन जाएगा। तो भाई देखो ट्रिपल एच ऑस्टिन उसके बाद अगर चला जाता है, तो ट्रिपल एच इतना टफ नहीं है 2K23 में रोमन के लिए, लेकिन रोमन की भी बॉडी ऑरेंज, तो रोमन के लिए सर्वाइव करना यहाँ पे मुश्किल है। 1v3 यार देखो, दो फिनिशर तो लग ही जाएंगे और रॉक बॉटम लगने जा रहा था। रॉक के पास फिनिशर तो नहीं है, लेकिन सिग्नेचर है। और भाई स्पीयर के लिए जाओ यार, कॉर्नर स्पीयर। रोमन क्या कर रहे हो यार, मतलब रोमन क्या करना क्या चाह रहे हो भाई? यहाँ पे स्पीयर के लिए जाना था, कॉर्नर फिनिशर ट्राई करना था, फिनिशर लगाना था, और नॉर्मल गिलिटीन लगा दिया नॉर्मल। भाई रोमन अब तक फिनिशर, एक फिनिशर या सिग्नेचर नहीं लगाया, मतलब ऐसा मैंने अब तक के YouTube चैनल में 108 वीडियोस हो गई, मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा कि भाई रोमन ने इतनी देर में एक फिनिशर ना लगाया। और फिर से रॉक आ चुके हैं, तो रॉक के पास फिनिशर तो नहीं है, लेकिन सिग्नेचर है। और मुझे लग रहा है रोमन की बॉडी रेड हो चुकी, तो रोमन बिना फिनिशर के एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि रोमन फिनिशर नहीं लगा रहे भाई। और यार आप सबको बता दूं, ये ओरिजिनल रोमन नहीं भाई, मॉड वाला रोमन है। पिछली 3-4 फाइट में मॉड वाले रोमन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कई तो एलिमिनेशन किए हैं, लेकिन इस मैच में पता नहीं क्यों रोमन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं, क्या पता आगे रोमन परफॉर्म करें। और एक का यार फिनिशर लगा, ये नॉर्मल मूव समुआ ड्रॉप, पता नहीं क्यों रोमन फिनिशर नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यार अब 2K24 की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही गेम लॉन्च होगा तुरंत ही मैं उसको परचेस करके आपके लिए वीडियोस लिया हुआ। स्पाइन मस्टर लगा के रोमन का टाटा बाय बाय आस्ता लविस्ता कर दिया है द रॉक ने। और भाई बहुत बुरी तरह हारी है रोमन की टीम, मतलब एक भी रॉक की टीम की तरफ से एलिमिनेशन नहीं हुआ। और यार और कोई फाइट की अगर डिमांड हो तो भाई लिख के भेज दो कमेंट में, मौका मिलते ही मैं आप लोगों की फाइट करवाऊंगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।